यूपी में जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर चुनाव आयोग कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है। इसी के चलते दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ यूपी की कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सीटों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। बैठक में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उनमें से 9 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारने वाली है। कहा जा रहा है कि 20 अक्टूबर तक बीजेपी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। वहीं बैठक में मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट यानी एक सीट आरएलडी को देने का निर्णय लिया गया है, लेकिन पश्चिमी यूपी की हॉट सीट में शुमार मीरापुर विधानसभा सीट पर आरएलडी में टिकट को लेकर मारामारी चल रही है। इस सीट पर पार्टी में दावेदारी की लंबी लिस्ट है। इस लिस्ट में सांसद, जिलाध्यक्ष, पूर्व विधायक, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य भी टिकट की मांग कर रहे हैं। कोई खुद लड़ना चाहता है तो कोई अपने परिवार के सदस्य को लड़ाना चाहता है। लिस्ट इतनी बड़ी है कि केंद्रीय राज्य मंत्री और आरएलडी चीफ जयंत चौधरी भी कश्मकश में फंस गए हैं कि वो आखिर किसके नाम पर मोहर लगाएं। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस लिस्ट में किस किस का नाम शामिल है। नमस्कार, मैं हूं निकिता रस्तोगी, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मीरापुर से विधायक रहे चंदन चौहान लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए हैं, जिसके बाद अब उन्होंने अपनी पत्नी यशिका चौहान के लिए टिकट की पैरवी की है। वो अपनी पत्नी को मीरापुर विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ाना चाहते हैं। चंदन चौहान अपना मजबूत दावा पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये उनकी परंपरागत सीट है। मीरापुर पूर्व में जब मोरना विधानसभा कहलाती थी, तब सांसद चंदन चौहान के दादा बाबू नारायण सिंह वहां से विधायक रहे और यूपी के डिप्टी सीएम भी बने। इसके बाद उनके पिता संजय चौहान भी मोरना से विधायक रहे और बिजनौर लोकसभा से 2009 में सांसद चुने गए। चंदन चौहान खुद भी आरएलडी के बैनर से चुनाव लड़कर मीरापुर के विधायक बने और अब बिजनौर से लोकसभा सांसद हैं। ये गुर्जर बिरादरी से आते हैं और 3 पीढ़ियों से इस इलाके से अपना गहरा रिश्ता बता रहे हैं, जिस वजह से वो चाहते हैं कि उनकी पत्नी को ही इस सीट से टिकट मिले। वहीं मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष संदीप मलिक ने भी मीरापुर से चुनाव लड़ने के लिए अपना मजबूत दावा ठोका है। उनका कहना है कि वो इलाके को भली भांति जानते हैं और जिला अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने हर चुनाव में बेहतर परिणाम भी पार्टी के पक्ष में लाने का काम किया। इसके साथ ही प्रदेश महासचिव रामनिवास पाल, प्रदेश संगठन महामंत्री अजीत राठी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रमा नागर, जिला पंचायत सदस्य संजय राठी, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रभात तोमर ने भी टिकट के लिए पूरी ताकत लगा रखी है। इतना ही नहीं, आरएलडी नेता और बिजनौर से पूर्व सांसद मलूक नागर का परिवार भी टिकट की रेस में शामिल है। पार्टी में 2 दर्जन से ज्यादा नाम हैं जो टिकट का दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में इनमें से किसी एक नाम को फाइनल करना आसान नहीं होने वाला। वहीं जब इसको लेकर आरएलडी नेताओं से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि पार्टी में उत्साह बढ़ता है तो टिकट की दावेदारी भी बढ़ती है। मीडिया द्वारा सवाल पूछे जाने पर आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव राजेंद्र शर्मा ने कहा कि जब पार्टी में उत्साह बढ़ता है तो टिकट के दावेदारों की संख्या भी बढ़ती है। पार्टी का कद ऊंचाइयों पर है और ये भी साफ है कि आरएलडी गठबंधन ही वहां चुनाव जीतेगा। वहीं राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी का कहना है कि पश्चिमी यूपी में आरएलडी बहुत मजबूत है और पार्टी से टिकट लेकर कौन विधायक नहीं बनना चाहेगा। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि पार्टी आलाकमान इस कश्मकश से कैसे निकल पाता है और मीरापुर जैसी हॉट सीट पर टिकट के लिए किसके नाम पर मोहर लगाती है। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।